दोस्तों बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जीरोधा में अकाउंट ओपन करने को लेके, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि जीरोधा में आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं, तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं वो सब आप फॉलो करेंगे तो विद इन डे में आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन सारे स्टेप्स को। तो आपको मालूम है कि जीरोधा में अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो आप दो मोड से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो इस वीडियो में मैं ऑफलाइन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं जो है अभी ऑनलाइन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग घर बैठे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको पैन कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद से आधार कार्ड का फोटो खींच कर रख लीजिए, उसके बाद से बैंक प्रूफ में अगर आपके पास चेक है तो उसका एक फोटो खींच लीजिए, राइट। कैंसिल चेक आपको देना है जिसमें आपका नेम होना चाहिए। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है और एक ब्लैंक पेज पे आपको अपने सिग्नेचर कर लेना है। और याद रखें, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपना ऑनलाइन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट में कैंसिल चेक या 3 मंथ्स का स्टेटमेंट और एक ब्लैंक पेज पे आपको सिग्नेचर करके इसका फोटो ले लेना है। तो 4 आपको काम पहले करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप यहां पे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पे देखो शो हो रहा है जीरोधा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इस पे आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको क्या करना है अब, तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहां पे एंटर कर देना है, उसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद से ये पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। अगर आप कंटिन्यू विथ गूगल करना है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप ईमेल यहां पे अपना एंटर करें। तो जैसे ही आप ईमेल एंटर करके कंटिन्यू करेंगे आपको एक फिर से ओटीपी के लिए बोलेगा, तो ईमेल पे आपको एक ओटीपी मिलेगा। तो ईमेल पे जो ओटीपी आएगी वो आपको यहां पे एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद से अगला जो स्टेप है पैन कार्ड, इसमें आपको अपना पैन कार्ड एंटर कर देना है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ। तो पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे सही सही एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेमेंट पे। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर रहे हैं और इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यहां पे 200 रुपया लगने वाला इक्विटी में। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम या इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आपको सिर्फ इक्विटी को ही सेलेक्ट करना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी को आप अनचेक कर सकते हो। तो अगर आप सारे सेगमेंट में अकाउंट ओपन करेंगे तो 300 लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी को अनचेक करके आपको सिर्फ इक्विटी में अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 200 रुपया लगेगा। तो 200 रुपया आपको यहाँ पे करना है। तो अगर आप UPI इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहां पे अपना UPI एंटर करके पे कर सकते हो, या अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप ये 200 रुपया पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पे करेंगे उसके बाद से आधार KYC के लिए आपसे पूछेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू टू डिजी लॉकर। जैसे ही आप कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है वो एंटर करना है, कैप्चा जो है कैप्चा इसमें सबमिट कर देना है, उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर से आपको एक अलग पेज पे डायरेक्ट कर देगा जिसमें आपको अपना मदर्स का फर्स्ट नेम, मदर्स का लास्ट नेम एंटर कर देना है, उसके बाद से बैकग्राउंड ये पूछता है, तो जो भी बैकग्राउंड है आपका वो आपको सेलेक्ट कर देना है। एनुअल इनकम कितनी है आपकी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, उसके हिसाब से इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है आपके पास या नहीं है, नहीं है तो न्यू कर दीजिए, राइट। उसके बाद से ऑक्यूपेशन, अभी क्या करते हैं, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं, क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद से ये पूछ रहा है स्टेटमेंट, तो आपको कब स्टेटमेंट चाहिए, तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, वंस एवरी कैलेंडर
क्वार्टरली बेसिस पे। और फिर से यहाँ पूछ रहा है कि आर यू पोलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन, तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपके घर में पोलिटिकली कोई है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद से कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। जो भी आप याद रखें, जो भी आप बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से, मेक श्योर कि उसी से आप पैसा ऐड कर पाएंगे और उसी से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। तो जो भी बैंक अकाउंट आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में मैप करना चाहते हैं, उसमें आपको अपना आईएफएससी कोड जैसे आप एंटर करेंगे, MISCR कोड जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद से बैंक अकाउंट नंबर और उसके बाद से कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर करके, उसके बाद से इन चारों पे आपको ऑथोराइज करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा यहाँ पे, देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में भी पॉपअप आता है, तो आपको अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद आपको अपना कैमरा ओपन कर लेना है और एक ब्लैंक पेज पे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पे 8650 है, राइट। तो आपको कैमरा ऑन करके और एक ब्लैंक पेज पे जो भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है 8650 मार्कर पे लिख के आपको इस तरह से रख लेना है और फोटो ले लेना है। या अगर आप लैपटॉप के साथ कर रहे हैं तो लैपटॉप के सामने आपको इस तरह से आ जाना है और कैप्चर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैप्चर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, कैप्चर करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। तो जैसे मैं आपको बताया था कि कैंसिल चेक है आपके पास, तो कैंसिल चेक आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप स्टेटमेंट डाउनलोड करके वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। याद रखें, जो भी आप कैंसिल चेक अपलोड कर रहे हैं उस पे आपका नेम होना चाहिए। अगर नेम नहीं है तो मैं बोलूंगा कि स्टेटमेंट आप अपलोड कर दीजिएगा, वो एनफ है। इनकम प्रूफ, बहुत सारे लोग इनकम प्रूफ पूछते हैं। तो देखो, अगर आप इक्विटी में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप करेंसी FNO में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अब आपको इनकम प्रूफ यहां पे देना पड़ेगा। तो आप फॉर्म 16 या अगर आप सैलरीड पर्सन है तो लास्ट 3 months की सैलरी स्लिप दे सकते हैं, लेकिन आप इक्विटी में सिर्फ अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। बात करें सिग्नेचर की, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि एक ब्लैंक पेज पे आपको यहां पे सिग्नेचर करके रखनी है। तो सिग्नेचर का आपको मैंने बोला था ना फोटो खींचने के लिए, तो फोटो खींच के रखा होगा तो वो सिग्नेचर आपको यहां पे अपलोड कर देना है और उसके बाद से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे फिनिश आ रहा है, फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे फिर से एक आपको यहाँ पे पॉपअप देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन नाउ दिखाई दे रहा है, क्लिक करना है। साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OTP, जो भी OTP आया है ईमेल पे, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पे एक OTP आएगा, OTP आपको इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद से वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको ये ग्रीन पेज इस तरह से शो होगा, राइट। ग्रीन पेज शो होने के बाद आपको यहाँ पे देखो e-sign है, e-sign ऑलरेडी हो चुका है, इसको आप डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद से फिनिश पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। तो वैसे तो ऑफिशियल 72 आवर्स लगता है, लेकिन एक दिन में भी अकाउंट ओपन हो जाता है अगर सब कुछ सही रहा तो। जीरोधा की टीम जो है बैकएंड टीम, वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है उसको क्रॉस वेरीफाई करती है और 72 आवर्स ऑफिशियल जो है 72 आवर्स से, उसमें अगर सारा डॉक्यूमेंट सही होता है तो आपके ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है। लेकिन 3 दिन नहीं लगता है, 1 दिन में भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है तो बहुत आसान है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना। तो इस तरह से आसानी से आप जीरोधा में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा, मैं सारे कॉमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, थैंक यू।